नीमा पंजाब की एक विशेष मीटिंग जालंधर के एक निजी होटल में नीमा अध्यक्ष डॉक्टर परविंदर बजाज की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पंजाब की विभिन्न शाखाओं की नीमा ब्रांच के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया गया, जिसके पश्चात सचिव डॉक्टर अनिल नागरथ ने आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिसके पश्चात नीमा पंजाब की वुमेन प्रधान डॉक्टर वीना गुम्बर ने डॉक्टर वुमेन सेल मलेरकोटला तथा फगवाड़ा ब्रांच का गठन किया तथा नव निर्वाचित महिला सदस्यों को सम्मानित किया, जिसके पश्चात नीमा पंजाब के पैटर्न तथा बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव गोयल ने हाउस के सदस्यों की नई क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी दी और सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दिया, जिसके बाद डॉक्टर अनिल नागरथ ने MBS के बारे में जानकारी दी और इसकी महत्ता के बारे में बताया। इस मौके पर डॉक्टर अनिल ज्योति, डॉक्टर KS राणा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर दयाल अरोड़ा, डॉक्टर मोहिंदर निर्मल, डॉक्टर आशु चोपड़ा सहित नीमा के सभी सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं इन्हें एसोसिएशन का नीमा का पैटर्न भी है, तो हर बार जिते भी यह स्टेट की मीटिंग होंगी है, तो क्योंकि ये मेरे प्रैक्टिशनर है उतो बोर्ड तो रजिस्टर्ड है, डे टू डे इन्हों जो भी प्रॉब्लम्स आदि हैं वो मेरे अगे रखते हैं, तो मैं वो उन्होंने थ्रू सरकार को पहुँचाना है ताकि मेरे जो प्रैक्टिशनर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जितों तक इन्ह दो मसले जोड़े इन्होंने दसे है, क्लीनिकल स्टैबलिशमेंट बिल 2010 के सेंटर वालों लागू होया, लेकिन हले कुछ स्टेटा के इंप्लीमेंट नहीं होया, पंजाब भी नहीं इंप्लीमेंट होया, लेकिन सेंटर लैवल पर है, अल्टीमेटली ये इंप्लीमेंट होएगा। शायद बहुत प्रैक्टिशनर नूं यह लगता है कि यह जरा साढ़े लिए बैटर नहीं होएगा, बट मेरा परसनल ओपीनियन है कि जो सरकार रूल्स बनाती है वो अपने प्रैक्टिशनर वास्ते वो पैथी वास्ते अच्छे ही होंगे है। नैशनल इंटैग्रेटेड मैडिकल एसोसीएशन पंजाब की स्टेट EC मीटिंग है। स्टेट EC मीटिंग का मतलब यह होंगे कि जितने भी साढ़े ब्रांचेज ने तकरीबन 42 ब्रांचेज पंजाब काम कर रही हैं, पहले 11 मैंबर उत्ते एक स्टेट EC मैंबर हुंदा, उसके बाद 30 मैंबर से दूसरा, फिर एवरी 30 मैंबर उत्ते एक स्टेट EC मैंबर मिलता हर ब्रांच में। वो यानी कि चुन के आए या छन के आए ये साढ़े नीमा दे वर्कर हुंदे है, कार्यकर्ता हुंदे है, डॉक्टर हुंदे है, जिन्हां दी असी हर 3 महीने बाद मीटिंग रखते हैं। वो अज जो मीटिंग है उसदे विच दो बड़े क्रूशियल असी मुद्दे लै रहे हैं। एक नवा क्लिनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट आया है, वो आया तो 2010 तो है, लेकिन हम इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया